और लखनीत की शादी को हो चुका है पूरा एक साल और लखनीत सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी और सभी फैंस भी उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको विशेज दे रहे हैं, उनको खूब सारा प्यार दे रहे हैं उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर। तो जी हाँ गाइज, सबसे पहले मेरी तरफ से भी उनको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। एंड गाइज, यहाँ मैं आपको बता दूं कि लखन ने उन सभी फैंस को थैंक यू कहा है जिन्होंने उनको एनिवर्सरी विश की है। लखन ने यहाँ पर एक नोट लिखते हुए कहा, थैंक यू गाइज फॉर ऑल वार्म विशेज ऑन आवर स्पेशल डे, यू ऑल मेड इट इवन मोर स्पेशल, रीडिंग एवरी पॉसिबल मैसेज एंड कमेंट। सॉरी, अभी मैं जिम कार्बेट उत्तराखंड में हूँ और यहाँ पर इंटरनेट नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, इसी वजह से वो सभी फैंस के कमेंट और मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर उन्होंने जितने भी पढ़े हैं उनको काफी ज्यादा अच्छा लगा है। सेकंडली, यहाँ पर कीर्ति ने भी एक नोट लिखा। कीर्ति ने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी यू टू, कीप स्प्रेडिंग लव, विशिंग यू बोथ लाइफ टाइम लव एंड हैप्पीनेस लखन एंड नीतू। एंड साथ में उन्होंने एक बहुत ही क्यूट सी फोटो शेयर की है उनकी शादी की। इसके अलावा उनके फैन पेजेस काफी सारे एडिट्स बना रहे हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके साथ ही एक क्यूट सी फोटो निकल कर आई है उनकी इस एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए। मे भी ये फोटो नैनीताल की है, जैसा कि लखन ने बताया कि वह भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा उनके टीम मेंबर्स ने भी उनको विशेस दी है और इसके साथ भम्मू ने भी एक रील शेयर की थी लखनीत की उनकी शादी के टाइम की और यहाँ पर कैप्शन लिखा था मेमोरीज। इसके अलावा उनकी फैमिली में से अभी किसी ने स्टोरी शेयर नहीं की है, जैसे ही वो कोई स्टोरी शेयर करते हैं उनको विशेस देते हैं, मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगी। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही अपडेट्स के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो साथ। बाय।